दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा मामले में फूड ब्लॉगर गौरव वासन पर धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज होने के बाद उन्होंने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। गौरव वासन ने अपने फेसबुक अकाउंट पर विक्रांत दत्त की लिखी एक कविता शेयर की है, जिसकी शुरुआती दो पंक्तियां हैं। गौरव, तेरी करनी पर बैल तुझे ही मार गया, अच्छा काम करते करते आज तू भी हार गया। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित बाबा का ढाबा एक बार फिर चर्चा में है। इसके संचालक कांता प्रसाद की दिल्ली पुलिस को दी गई एक शिकायत की वजह से पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस यूट्यूब ब्लॉगर गौरव वासन की वजह से बाबा का ढाबा देश दुनिया में मशहूर हुआ और इसके संचालक कांता प्रसाद को लाखों रुपए की मदद मिली, अब कांता प्रसाद की शिकायत पर यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने IPC एक्ट की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है जांच के दौरान गड़बड़ी पाई गई तो गौरव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यहां पर बता दें कि पिछले 31 अक्टूबर को बाबा का ढाबा के संचालक कांता प्रसाद ने गौरव वासन के खिलाफ दिल्ली पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि कांता प्रसाद की मदद के लिए गौरव वासन के पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंग्लैंड जैसे देशों से लोगों ने पैसे भेजे थे। आरोप है कि गौरव वासन ने कांता प्रसाद को केवल 2 लाख रुपए का चेक दिया, जबकि गौरव ने इसका ब्यौरा नहीं दिया कि किस देश से कितने लोगों ने बाबा की मदद की। ये भी कहा जा रहा है कि पैसे गौरव और उसकी पत्नी के बैंक अकाउंट में आए। ऐसे में कांता प्रसाद अपने मददगार गौरव वासन की सफाई से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने एक शिकायत कर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर थाने में बुलाकर गौरव से पूछताछ की थी। वहीं पुलिस आरोपित गौरव वासन के जवाब से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए पुलिस ने FIR दर्ज की। फिलहाल देखना ये होगा कि आगे इस मामले में और क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल पुलिस आयुक्त अतुल कुमार का कहना है कि यूट्यूबर गौरव के खिलाफ यूट्यूब लक्ष्य चौधरी के खिलाफ साथ साथ कांता प्रसाद ने भी शिकायत की थी। दोनों का आरोप है कि गौरव ने मदद के नाम पर गड़बड़ी की है, क्योंकि पैसे को लेकर दिया गया जो ब्यौरा है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है।